يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي अगर कोई बंदा है उसको दिल का रोड़ा पड़ता है, हार्ट अटैक होता है, दूसरा बंदा कहता है तो क्या हुआ, इसे हार्ट अटैक ही तो होगा ना, इसके गुर्दे तो बिल्कुल ठीक है, इसका लबलबा तो बिल्कुल ठीक है, इसकी किडनी तो बिल्कुल ठीक है, इसके फेफड़े तो बिल्कुल ठीक है, यह इसका ब्रेन तो बिल्कुल ठीक है। कोई उससे कहे के पगले, दिल के धड़कने का नाम जिंदगी है और दिल के रुक जाने का नाम मौत है। इसी तरह उलमा कहते हैं कि खत्म नबूवत की हैसियत इस्लाम के जिस्म के अंदर दिल की सी है कि जब तक यह दिल धड़कता रहेगा सारा का सारा इस्लाम भी जिंदा रहेगा। और अगर खुदा ना खास्ता इस दिल पे हमला करने की कोशिश की गई, इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे दीन इस्लाम पे हमला करने की कोशिश की गई। इसीलिए इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला ने, मशहूर इमाम आजम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हनफी हैं, उनके मुकल्लद हैं, आप फरमाते हैं अगर कोई करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फरमाया दावा नबूवत करे, दूसरा बंदा कहे अगर तू नबी है रसूल है कोई दलील तो पेश कर, कोई मौजा दिखाकर तो नबी है, फरमाते हैं लोगों सुन लो, जिसने उस दावा नबूवत करने वाले से उसकी नबूवत के लिए दलील मांगी, कोई मौजा तलब किया, फरमाया ये दलील और मौजा मांगने वाला भी काफर हो गया। और वजह क्या फरमाई, फरमाया वजह यह है इसको शक है, इसको खत्म नबूवत के कीदे पे शक है ना, इसीलिए उस दावा नबूवत करने वाले से दलील मांग रहा है। फरमाया सुन लो, जो खत्म नबूवत के कीदे पे शक करे मैं अबू हनीफा उसको मुसलमान नहीं समझता, उनके ये काफर है। तो पता लग गया कि खत्म नबूवत की हैसियत इस्लाम के अंदर किस कदर अहमियत की हामिल है।